पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लाइसोसोम्स के बारे में। जो लाइसोसोम्स है उनकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन थी हमने उसके बारे में पढ़ा था। क्या होते हैं लाइसोसोम्स? ये क्या एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि मोस्टली एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। इस ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है इसके अंदर क्या एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक हो, डाइजेस्टिव हो एटसेट्रा। इसके बेसिक फंक्शंस के बारे में भी पढ़ा था, जैसे कि ये ओल्ड सेल को रिसाइकल करता है, मटेरियल को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एज नोन लाइसोसोम्स क्या है, टाइनी सैक्स है विच आर मोस्टली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। तो इन टाइनी सैक्स में क्या है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है तो इनका मेन पर्पस क्या होगा, खाने को डाइजेस्ट करना। ये जानवर जो है, एनिमल जो है, कोई भी खाना खा रहा है उसको क्या है, वो डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये किसी भी तरह के वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल को एज वेल एज किसी भी तरह के फॉरेन मटेरियल को, अब फॉरेन मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा, ये किसी भी तरह के वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल को, फॉरेन मटेरियल को, सबको ये क्या डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया, ये लाइसोसोम्स क्या है, सेल को क्या क्लीन रख रही है, साफ सुथरा रखते हैं। अगर कोई सेल, मान लीजिए कोई सेल क्या है डैमेज हो गया, तो उनमें से सेल के अंदर बहुत सारे लाइसोसोम्स प्रेजेंट है, तो उनमें से कोई एक लाइसोसोम क्या है बर्स्ट हो जाएगा, लाइसोसोम क्या फट जाएगा। जब वो फट जाएगा, अब वो ऐसे तो नहीं फट रहा हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर, कोई भी फंक्शनिंग ऐसे ही नहीं हो रही है। जब वो फटेगा तो वो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेगा। इट विल रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, उनका भी एक पर्पस है। वो जो रिलीज एंजाइम्स है, दे विल डाइजेस्ट देयर ओन सेल, वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट देयर ओन सेल। और उसके बाद क्या है, अल्टीमेटली क्या है, वो सेल क्या है मर जाएगा, द सेल डाइज। जिससे क्या है, लाइसोसोम क्यों, इसी कारण हम कहते हैं कि वो सुसाइड बैग्स होते हैं। क्यों, दोबारा पढ़ते हैं, जब भी कोई सेल डैमेज हो जाएगा तो लाइसोसोम क्या करेगा, वो बर्स्ट आउट हो जाएगा, फट जाएगा, जिससे क्या है, वो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेगा। वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनका क्या पर्पस है, दे विल डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जब वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे तो सेल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, द सेल विल डाई, वो मर जाएगा। तो इसी कारण लाइसोसोम्स को क्या है, सुसाइड बैग्स कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।